हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये मोटिव बनाने वाले हैं, देखिए दोस्तों। और ये मोटिव बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बनाना सिखाया है, और इसी मोटिव से आप बेबी के लिए आप ब्लैंकेट बना सकते हो या टेबल मैट भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज ऐसे ज्वाइन करके ये मोटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सब में पहले आपको मिले और मेरे चैनल पर क्रोचेट के नए नए आइडियाज आपको देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज हम ये मोटिव बनाने वाले हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने डार्क पिंक कलर और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, और मैं आपको ये पैरट कलर में ये मोटिव बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग लेंगे, देखिए। और इस मैजिक रिंग में हमें 8 डबल क्रोशिया डालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, फिर डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस धागे को हम खींचते हुए इसे टाइट करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम इस गैप में हमें जाना है, इस तरीके से स्लिप स्टिच से जाएंगे हम यहाँ पे, देखें। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। सिंगल क्रोशिया डालने के बाद हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया डालनी है। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया डालनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, देखिए। अब अगले वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया डालनी है, देखिए। हमें ये 2 स्टिच को छोड़ देना है, और इस गैप में हमें फिर से इसी तरीके से ये डिज़ाइन बनाना है। तो दोस्तों, आपको मैं ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर का ऊन यहाँ पे कट कर डालेंगे। देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हम 3 चेन देंगे, और उसके बाद में हमें
हर एक स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया डालना है। और इस वाले गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया डालनी है। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से अगले वाले स्टिच में हम डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए यहाँ तक हमने 3 डबल क्रोशिया डाली। अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे और जो हमने 8 डबल क्रोशिया डाले थे तो उसके देखिए इस जगह पे हम ये ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से। देखिए अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। अब फिर से इस गैप में हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। अब 2 चेन लेंगे, फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया डालना है और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ये स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करूँगी। देखिए अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे यहाँ पे और हमें हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया डालनी है। देखिए इस तरीके से। और इस वाले गैप में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। देखिए 2 चेन लेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इसी तरीके से है, सिंगल क्रोशिया डालकर हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं आपको ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमारे ये मोटिफ यहाँ पे रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे चैनल पर क्रोचेट के नए नए आइडियाज आपको देखने को मिले। दोस्तों इसी मोटिव से आप अलग अलग बची हुई ऊन से ऐसे मोटिव बनाकर आपके बेबी के लिए ब्लैंकेट बना सकते हो या फिर आप टेबल मैट बना सकते हो या फिर थालपोश भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ये बना सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये ग्रैनी स्क्वायर बन जाता है, आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों हमारे ये मोटिफ बनकर रेडी हो गया है। तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए।